लोग निकल रहे हैं अभी और टैक्सी वाले 35,000 का के और जो नाटक कर रहे हैं, देखते हैं अभी एयरपोर्ट आ चुका है सामने। यहाँ पे आके मेरे को टिकट के पैसे दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो। तो सिर्फ हम लोग ही है, फ्लाइट पूरी बैठ चुकी है, हम लोग लास्ट जन है जो चढ़ने वाले हैं। सनी भाई खोल के देखो, पायलट आ रहे हैं, अभी पायलट आ रहे हैं। फिर एक ही बात बताइए आप, I love you. तो नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल, मैं पाल सिंह, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस लॉन्ग स्लो सो टाइम टू से बाय टू होची मिन से हम लोग निकल रहे हैं अभी और जा रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारे साथ में टैक्सी वाले हैं। टैक्सी वाले हैं तो इन्होंने हमसे 1.5 लाख डोंग का बात किया था टैक्सी टू द एयरपोर्ट, और अभी ये कुछ अपने तरफ से स्कैम कर रहे हैं, कुछ पुराना टिकट हमको दिखा रहे हैं बार बार 35,000 का की और 35,000 डोंग का की और दे दो और दे दो ऐसा। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमने तो बोला है कि भाई 1.5 लाख हमको ऑलरेडी ग्रैब में दिखा रहा था 136, तो हमने सोचा कि जान दो टाइम लगेगा तो उससे अच्छा हम लोग यही ले लेते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा नाटक कर रहे हैं, देखते हैं अभी एयरपोर्ट आ चुका है सामने। ओके ब्रदर, बाय बाय का इधर। तो ऐसे भड़क रहे, पता नहीं क्या हो गया। पहले 1.5 लाख बोले थे, यहाँ पे आके मेरे को टिकट के पैसे दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, कुछ ना कुछ लगाओ। चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं कैसे। चलो चलो चलो, फ्लाइट हमारी है हनोई के लिए, निकल रहे हैं हम यहाँ से होचीमिन को। बाय बाय। तो ये कुछ होचीमिन का एयरपोर्ट, यहाँ से हमारी फ्लाइट जो है हनोई के लिए एच में है। तो हमारी जो फ्लाइट है वो बैम्बू एयरवेज की है और बोर्डिंग पास हमको मिल चुके हैं। खाली हमको बोला है कि यहाँ पे आप थोड़े टाइम बैठ जाओ क्योंकि हमारे बैगेज जो है वो स्क्रीन हो गए। फ्लाइट जो है वो 2 घंटे की ही है, चले गए नहीं। तो यहाँ पर आए हम लोग बिजनेस लाउंज में, फटाफट खाते हैं। तो यहाँ पे आए हम लोग बिजनेस लाउंज में, फटाफट खाते और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ये था बिजनेस लाउंज। तो हमारा है 7 नंबर गेट और पूरा खाली है, क्योंकि हम थे लाउंज में खा रहे थे, तो इसके लिए अभी फटाफट हमको 2 बार आए बुलाने को, इसके लिए आ गए हम लोग फटाफट। तो सिर्फ हम लोग ही है, फ्लाइट पूरी बैठ चुकी है, हम लोग लास्ट जन है जो चढ़ने वाले हैं। 15 मिनट हम लोग लेट हो गए। तो ये भी काफी बड़ी फ्लाइट है, 3-3-3 वाली फ्लाइट है। तो ये बैम्बू एयरवेज की फ्लाइट है और ज़बरदस्त है, बहुत बड़ी फ्लाइट है, आप देख सकते हो। 3-3 सीट एक साइड है और 3 रो है, 3 ये बाजू, 3 बीच में, 3 वो बाजू, और लेगरूम वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। तो ये फ्लाइट का एक और बताना चाहता हूँ खूबी, जो है जो बाहर के विंडो है आप देखो कैसे उसको सेट करते हैं, मतलब इसको शेड नहीं है गिराने वाले, इसको शेड नहीं गिराने वाले, ये डार्क लग रहा है और ये वाइट लग रहा है, इसको सिर्फ ये बटन है, इसको बटन को दबाते हैं
और फुल वाइट की तरफ करते हैं। अभी देखो थोड़ी देर में हल्का हल्का अभी ये वाइट होने लग गया, बाहर की लाइटें दिखने लग गई है, बहुत स्लोली स्लोली ये वाइट हो रहा है। ये देखो पूरा वाइट हो चुका है, ये हल्का हल्का सा डार्किश है अभी भी, ये भी वाइट हो रहा है, लेकिन ये वाला फुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ये क्या पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने सन्नी भाई के लिए। सन्नी भाई खोल के देखो, पायलट आ रहे हैं अभी, पायलट आ रहे हैं, फिर एक ही बात बताइए आप। तो 9 बज गए हैं और फ्लाइट हमारी जो है वो लैंड हो चुकी है। हनोई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर की तरफ, और बाहर चलते टैक्सी लेते हैं और चलते डायरेक्टली जो ओल्ड क्वार्टर जहाँ पे है बियर स्ट्रीट वगैरह मेन पबिंग वगैरह का, वहीं पर कहीं पर चल के होटल लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट से निकले हैं, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं टैक्सी बुक करने के लिए। ग्रैब जो है वो लगभग 3,20,000 डोंग ले रहे हैं ओल्ड क्वार्टर जाने के लिए जहाँ पे हमको जाना है, और जो बाकी के यहाँ पे टैक्सी वाले वो बोले मीटर से चलो, और इनका एक मैंने यूट्यूब के व्लॉग में सुना था कि इनके मीटर बहुत फास्ट है, तो इसके लिए हम मीटर से तो नहीं जा रहे, हम फिक्स कर रहे थे। इनको बोल रहे 3,00,000 ले लो तो ये ना बोल रहे। ग्रैब बुक की है, उसको टाइम है ज़रा 15 मिनट आने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है, अगर कोई और टैक्सी मिलती है तो वो भी अच्छा है। तो वहाँ पर हम अंदर थे तो टैक्सी वालों ने आपस में वो लोग का झगड़ा हो गया था। एक टैक्सी वाला आ गया था कि 275 में लेके जा रहा था 2,75,000 में, और एक टैक्सी वाला था जो 3,500 में लेके जा रहा था, तो वो दोनों में आपस में झगड़ा हो गया था कि भाई तू कौन, पहले कौन है, पहले कौन, ऐसा करके। तो हम लोग थोड़ा सा बाहर आ गए अभी एयरपोर्ट के, एयरपोर्ट पीछे है और हम लोग बाहर आके बैठ गए, तो देखते हैं अगर कोई टैक्सी वाला आता है तो पता चलेगा। चल वो दूजा है चार वाला पीछे। तो फिर से दूसरा टैक्सी वाला आ गया और उसके साथ में मजाक मस्ती चालू है। फिर फाइनली जो है 3,50,000 रुपए में डन कर दिया है, 3,50,000 डोंग में। सो जो ओल्ड क्वार्टर है यहाँ से लगभग समझो 35 किलोमीटर है, ओल्ड क्वार्टर में ही हमने होटल देखा हुआ है और वहाँ पे जाके बुक करेंगे। एक्चुअली बुक तो किया नहीं कोई भी होटल, तो एक होटल सर्च करके ड्राइवर को जो बता दिया है कि कहाँ पे जाना है। कम टैक्सी, मैं वो टैक्सी में बैठ जाऊंगा। Từ Huế ra đây 5 cây số. Thì các ông đi thế nào xuống đấy 5 cây số liền. I love you. Mệt quá. Từ Huế đi đây 2 điểm. Điểm xuống Huế là 3,5. Đúng không? 3,5. So ये हम लोग जहाँ पे आ गए ये कुछ पब स्ट्रीट डायरेक्ट पहुँच गए और उसके बीच में से हमारा होटल है। तो ये बफेलो करके हॉस्टल है जहाँ पे हम लोग आए हैं, देखते हैं चेक करते हैं अंदर क्या सीन है, कैसा है, अगर रूम मिलता है तो।
फाइनली लेट नाइट हम लोग को होटल मिल ही गया। अभी चलते होटल में और रेस्ट करते थोड़ा सा। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, सब्सक्राइब।